doing good. So let's start today's class. Okay, हम क्या पढ़ रहे थे? Chapter number 15, बारी बारी आते मौसम. मौसम means seasons. Yes, तो हमने last class में कौन से season के बारे में बात करी थी? Summer season के बारे में, है ना? गर्मी के मौसम के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि मई और जून में बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना? बहुत तेज धूप भी निकलती है और सूरज ज्यादा जल्दी ही आते हैं और देर से अस्त होते हैं, है ना? और गर्मी में हमें कौन सा फल खाना पसंद है? मैंगो. कौन सा? मैंगो. यस, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. मतलब गर्मी के बाद कौन-कौन से मौसम आते हैं उसके बारे में बातें करेंगे, है ना? कौन-कौन से मौसम आते हैं गर्मी के बाद? रेनी सीजन आता है ना? फिर स्प्रिंग सीजन आता है, विंटर सीजन आता है. यस, तो हम ये सारे मौसम के बारे में आज बातें करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दीदी कहती है गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है. कौन सा मौसम आता है? बरसात का मौसम, मतलब रेनी सीजन. आकाश में बादल छा जाते हैं. आकाश मींस स्काई और बादल मींस क्लाउड्स. तो आकाश में क्या होते हैं? बादल छा जाते हैं. सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं. क्या करने लगते हैं मोर? नाचने, मतलब डांस करने लगते हैं, है ना? तो हम इसको पोयम की लाइन में पढ़ते हैं. ओके, उमड़ उमड़ कर आए बादल. उमड़ उमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं. नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं, है ना? तो क्या मतलब इसका? कि जैसे ही बादल आते हैं उनको देखकर मोर भी आ जाते हैं और अपने प्यारे से सुंदर नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना क्या दिखाते हैं? डांस, मतलब नाच दिखाते हैं. ओके, तभी बच्चे कहते हैं सावन के महीने में ही राखी का त्यौहार भी मनाया जाता है. कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? राखी का, है ना? तभी दीदी कहती है हाँ, बरसात कम होते ही हवा ठंडी होने लगती है, है ना? जैसे थोड़ी बरसात कम होती है और क्या होने लगती है? हवा ठंडी, हाँ, ठंडी हवा चलने लगती है. यस, और धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है. क्या होती है? धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है, मतलब विंटर सीजन आ जाता है ना? और दिसंबर जनवरी में तक तो बहुत तेज ठंड पड़ने लगती है ना? तो अभी क्या चल रहा है? अभी कौन सा मंथ चल रहा है हमारा? जनवरी, है ना? तो आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी में कितनी तेज ठंड पड़ रही है. यस, और हम सर्दी में हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं. यस, स्वेटर जैकेट, है ना? अभी भी आपने पहना होगा. यस, रात को क्या करते हैं? रात को रजाई ओढ़कर सोते हैं, है ना? और इस समय क्या होता है विंटर सीजन में? धूप सबको बहुत अच्छी लगती है. आपको भी पसंद है ना धूप? यस, तो हमें धूप बहुत अच्छी लगती है. पर इन दिनों सूरज ज्यादा देरी से आते हैं और जल्दी से अस्त हो जाते हैं. क्या करते हैं सूरज ज्यादा? देरी से आते हैं और जल्दी से चले जाते हैं, है ना? तभी बच्चे कहते हैं फरवरी के अंदर तो सर्दी भी कम हो जाती है. क्या होती है? फरवरी के एंड तक सर्दी थोड़ी कम हो जाती है. तभी दीदी कहती है ठीक कह रहे हो, मतलब तुम सही कह रहे हो. सर्दी कम होने पर बसंत ऋतु आ जाती है. कौन सी ऋतु आ जाती है? बसंत ऋतु, मतलब स्प्रिंग सीजन आ जाता है. फसल पक जाती है, मतलब क्या? क्रॉप्स. फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रॉप्स. तो क्या होते हैं? पक जाती है और किसान अपनी पकी फसल को देख के फूले नहीं समाते. फूले नहीं समाते, ये क्या है? मुहावरा है. इसका मतलब होता है कि बहुत खुश होते हैं. अपनी वो पकी फसल को देखकर क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं. चलो हम इसे पोयम की लाइन से समझते हैं, है ना? सर्दी गई बसंत है आया. क्या गई? सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया. रंग रंग के फूल खिले हैं, बन बगिया सब महक रहे हैं. डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है, है ना? सर्दी, मतलब इसका मतलब क्या है? सर्दी गई बसंत है आया, मतलब विंटर सीजन इज गॉन एंड स्प्रिंग सीजन इज कम, है ना? तो बदल
बदल गई धरती की काया, मतलब बसंत ऋतु आने से पूरी धरती की काया मतलब पूरी अर्थ का लुक क्या हो गया है, चेंज हो गया है। हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। वन बगिया मतलब जंगल गार्डन ये सब क्या है, महक रहे हैं फूलों से, है ना। और डाली डाली झूम रही है, पूरी डाली कर रही है, झूम रही है। और पीली सरसों फूल रही है, पीली सरसों मीन्स येलो मस्टर्ड, ये क्या हो रही है, पूरी फूल रही है। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ अभी बच्चे कहते हैं दीदी हम तो सर्दी के समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं। मतलब क्या देखते हैं कि सर्दी जल्दी से समाप्त तो हो, मतलब एंड हो, तो हम होली का त्योहार मनाए, है ना। होली फेस्टिवल आपको ही पसंद है ना, होली का फेस्टिवल। यस, तो उसमें क्या होता है, बहुत मजा आता है। मुंह पर गुलाल लगाते हैं, मतलब फेस पे क्या करते हैं हम, गुलाल लगाते हैं। गुलाल मीन्स क्या होता है, गुलाल कलर होता है ना। और दूसरों के पंखों पर क्या करते हैं, पिचकारी से रंग डालते हैं, है ना। तो आपको भी पसंद होगा ना। यस, तभी दीदी कहती है बच्चों इसी तरह ऋतु में सदा बदलती रहती है। क्या होते हैं, इसी तरह सीजन हमेशा बदलते रहते हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना ही आनंद है, मतलब एवरी सीजन हैज अ ऑन हैप्पीनेस। अब हर एक सीजन अपने साथ कोई ना कोई खुशी लेकर आता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया कि सब मौसम सारे सीजन बारी बारी आते हैं, जैसे समर सीजन है ना, उसके बाद रेनी सीजन, फिर स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन। तो ये सारे मौसम क्या होते हैं, बारी बारी आते हैं। उन इन सारे सीजन का अपना अलग अलग ही आनंद होता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू।